महाभारत युद्ध के आरंभ से पहले के उन महाबली योद्धाओं का वर्णन किया गया है जो यदि युद्ध में शामिल होते तो युद्ध का परिणाम बिल्कुल अलग हो सकता था। इन योद्धाओं के बारे में विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। कालयवन महाभारत युद्ध से पहले ही श्री कृष्ण ने कई शक्तिशाली दैत्यों का वध किया, जिनमें से एक कालयवन था। वह 30 करोड़ मलेच योद्धाओं की सेना के साथ मथुरा पर आक्रमण करने आया था। श्री कृष्ण ने रणभूमि छोड़ दी और उसे मुचकुंद की गुफा में ले आए। जैसे ही कालयवन ने सोए हुए मुचकुंद को जगाया, मुचकुंद की दृष्टि से वह भस्म हो गया। अगर कालयवन कुरुक्षेत्र के युद्ध में शामिल होता तो उसकी सेना युद्ध के परिणाम को बदल सकती थी। जरासंध जरासंध महाभारत काल का सबसे शक्तिशाली राजा था। उसकी सेना महाभारत की सबसे बड़ी सेना थी, जिसमें लगभग 23 अक्षणी सेना थी। जरासंध ने श्री कृष्ण के साथ कई युद्ध किए, लेकिन अंततः उसका वध भीमसेन द्वारा हुआ। भीम ने उसे बीच से चीर कर उसके शरीर के दो भाग अलग अलग दिशाओं में फेंके ताकि वे पुनः जुड़ न सकें। जरासंध की पुत्री का विवाह कंस से हुआ था, इसलिए अगर वह जीवित रहता तो निश्चित रूप से कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों का साथ देता। कीचक कीचक विराट नगरी का सेनापति था और महाभारत में द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार करने के कारण प्रसिद्ध है। वह एक अत्यधिक बलशाली और गदा युद्ध में निपुण योद्धा था। जब पांडव अज्ञातवास में थे तब कीचक का वध भीमसेन ने किया था। अगर कीचक कुरुक्षेत्र के युद्ध में होता तो वह अपनी अद्वितीय ताकत के साथ युद्ध का परिणाम बदल सकता था। एकलव्य का नाम सुनते ही महाभारत का वो प्रसंग याद आता है जब गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में उनका अंगूठा मांग लिया था। एकलव्य धनुर्विद्या के अद्वितीय योद्धा थे। अंगूठा कटने के बावजूद उन्होंने दो उंगलियों से तीर चलाना शुरू कर दिया और उनकी धनुर्विद्या में कोई कमी नहीं आई। आगे चलकर वे निषादों के राजा बने। एकलव्य जरासंध और पौंड्रक के साथ मिलकर कई बार मथुरा पर आक्रमण कर चुके थे। महाभारत के उद्योग पर्व में बताया गया है कि एकलव्य ने कई बार भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन अंततः श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया जब उन्होंने उसका सिर पत्थरों पर पटक पटक कर उसकी मृत्यु की। कंस कंस मथुरा का क्रूर शासक और कालनेमी नामक असुर का पुनर्जन्म था। जब उसे आकाशवाणी से झात हुआ कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, तो उसने वसुदेव और देवकी को कैद कर लिया और उनकी संतानों का वध कर दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अंततः कंस का वध कर मथुरा को उससे मुक्त किया। अगर कंस महाभारत के युद्ध तक जीवित रहता तो निश्चित रूप से वह कौरवों का साथ देता। श्री कृष्ण ने कंस के कई शक्तिशाली अनुयायियों का भी पहले ही वध कर दिया था, जैसे पूतना, तणाव, केशी और धेनुकासुर। शिशुपाल का वध स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के दौरान किया था। श्री कृष्ण ने उसकी 100 गलतियों को माफ किया था, लेकिन जब उसने श्री कृष्ण का अपमान किया तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। शिशुपाल की मृत्यु के बाद उसका मित्र शाल्व द्वारका पर आक्रमण करने आया, लेकिन श्री कृष्ण ने शाल्व और उसके नगर का भी नाश कर दिया। अगर ये दोनों युद्ध में शामिल होते तो कौरवों की शक्ति बहुत बढ़ सकती थी। नरकासुर भूदेवी और भगवान विष्णु के वाराह अवतार का पुत्र था। उसने देवताओं और स्वर्ग पर भी विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन अंत में उसका वध सत्यभामा के हाथों हुआ जो भूदेवी का अवतार थी। नरकासुर जैसे बलशाली योद्धा की मृत्यु पहले ही हो जाने से महाभारत का युद्ध उससे प्रभावित नहीं हुआ, अन्यथा उसकी उपस्थिति कौरवों के लिए एक बड़ा समर्थन होती। अन्य योद्धा महाभारत युद्ध से पहले कई अन्य शक्तिशाली योद्धाओं का वध श्री कृष्ण और पांडवों ने किया। भीम ने हिडिम्बा, बकासुर और जटासुर जैसे राक्षसों का वध किया। इसके अलावा श्री कृष्ण ने पौंड्रक और अन्य कई दुर्जनों का अंत किया। ये सभी अगर युद्ध में शामिल होते तो युद्ध का परिणाम बेहद अलग होता। इस प्रकार महाभारत युद्ध में कई ऐसे योद्धा थे जिन्हें अगर युद्ध से पहले ही न मारा गया होता तो कुरुक्षेत्र युद्ध का परिणाम और अधिक भयानक हो सकता था। भगवान श्री कृष्ण और पांडवों ने युद्ध से पहले ही उन सभी शक्तिशाली योद्धाओं को परास्त कर युद्ध के परिणाम को कुछ हद तक अपने पक्ष में मोड़ लिया था। जय श्री कृष्ण।
आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें, और भविष्य में ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।